बाबर आजम की एक सिफत है, उनको रन बनाने का तरीका आता है। बीएसएल में भी बाबर का ही बज रहा हर तरफ डंका, हर पारी में कर रहे कमाल। आई लाइक द फैक्ट कि बाबर आजम रोज लाइक अ लीडर, कि मेरी विकेटें सामने गिर गई हैं, कभी कभी क्या होता है उनका कैच भी छूटा कॉटन बोर्ड। आखिरकार किंग कोहली पर भारी पड़ ही गए पाकिस्तानी किंग बाबर आजम। ईस्ट और वेस्ट T20 में बाबर इज द बेस्ट। भाई बाबर भाई का ना जलवा है यार, मतलब जो कहो जो मर्जी इस बंदे को कह लो, एक बात तो है इसमें रन बनाना नहीं भूलता है कभी। इंडियन मीडिया का पूरा रिएक्शन देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो बाबर आजम की फॉर्म PSL के अंदर बहुत ज़बरदस्त चल रही है और बाबर आजम इस टाइम PSL सीज़न 9 में टॉप स्कोरर की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। और PSL से पहले बाबर आजम के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल था कि बाबर आजम इस PSL में नाकाम होंगे और वो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन सब लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारे हैं बाबर आजम ने। और बाबर आजम इस साल PSL को छोड़ दिया पीछे, रन एवरेज में बाबर के हैं ये दोनों ही नीचे। PSL में भी बाबर का ही बज रहा हर तरफ डंका, हर पारी में कर रहे कमाल, बल्ले से मचा दिया है धमाल। आखिरकार किंग कोहली पर भारी पड़ ही गए पाकिस्तानी किंग बाबर आजम। कम से कम आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं और इस बात का पूरे पाकिस्तान में डंका भी बज रहा है। कम से कम T20 में बाबर ही किंग दिख रहे हैं। कोहली के फैंस के लिए यकीन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आंकड़े इसकी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट T20 में बाबर इज द बेस्ट। बाबर के फैंस खुशियां मना रहे हैं, आखिर अब तो एक ऐसा मौका मिल गया जब बाबर किंग हो गए बाकी उनके पीछे। इस बार PSL में भी बाबर का जलवा देखने को मिल रहा है। कहा जाए तो एक मुकाबले को छोड़कर सभी मैचों में बाबर का ही डंका बज रहा है। हर तरफ बाबर बाबर का शोर है। स्टेडियम जरूर PSL के दौरान खाली है, तो क्या हुआ पाक फैंस TV पर ही अपने किंग को चीयर कर रहे हैं, तो क्या हुआ बाबर के ना चाहने वाले उन्हें जिम्बाबर कहकर पुकार रहे हैं। चाहने वालों की गिनती खूब है जो सपने में और जागते हुए भी बाबर के बारे में ही सोचते हैं। अब तो पाकिस्तान मतलब बाबर और बाबर मतलब पाकिस्तान हो गया है, ऐसा लगता है। कम से कम क्रिकेट के लैंग्वेज में कहें तो यही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बाबर के आंकड़े जबरदस्त हैं, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20। अगर पाकिस्तानी टीम का इस वक्त सबसे बड़ा बैट्समैन यानी बल्लेबाज अगर कोई है तो वो है बाबर आजम। बाबर के आसपास भी कोई पाक खिलाड़ी नहीं, ये भी यकीनन सच है। लेकिन अगर T20 क्रिकेट की ही बात कर लें तो बाबर ने विराट कोहली और KL राहुल जैसे इंडियन स्टार को पीछे छोड़ दिया है। विराट को तो हर फॉर्मेट का किंग ही कहा जाता है, लेकिन T20 फॉर्मेट के अब नए किंग बन गए हैं बाबर आजम। हैरानी की बात तो यह है कि रन औसत के मामले में बाबर टॉप पर है, लेकिन किंग कोहली 5वें नंबर पर है, वहीं KL राहुल 3रे नंबर पर काबिज है। आपको बता दें कि T20 आंकड़े में बाबर का एवरेज विराट कोहली जैसे दिग्गज से कहीं ज्यादा है। बाबर ने जहां 277 T20 मैच में 44.48 के एवरेज से 10,363 रन बनाए, वहीं दूसरे नंबर पर उनके सबसे बड़े दोस्त मोहम्मद रिजवान है। रिजवान ने 226 मुकाबले में 43.05 के एवरेज से 7,491 रन बनाए। वहीं तीसरे नंबर पर KL राहुल काबिज है। राहुल ने 199 मैच में 42.31 के एवरेज से 7,066 रन बनाए। इसके अलावा चौथे नंबर पर कीवी बल्लेबाज डेवन कॉनवे हैं। कॉनवे ने 168 मुकाबले में 41.96 के एवरेज से 5,665 रन बनाए। अब पांचवें नंबर पर बारी आती है विराट कोहली की। कोहली ने 359 मुकाबलों में 41.21 के एवरेज से 11,994 रन बनाए। रनों के मामले में तो अभी भी कोहली ही किंग है, लेकिन एवरेज के मामले में बाबर ने उन्हें मात दे दी है। यहाँ तक कि रिजवान भी कोहली से आगे निकल गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। भाई बाबर भाई का ना जलवा है यार, मतलब जो कहो जो मर्जी इस बंदे को कह लो, एक बात तो है इसमें रन बनाना नहीं भूलता है कभी। मतलब खेलने अगर उतरा तो बहुत कम ही चांस होता है कि इसको कोई आउट कर दे, वो भी जल्दी, क्योंकि बहुत ग्राउंडेड शॉट्स मारता है। और जो शॉट्स भी बाबर खेलता है ना, कसम से माशाल्लाह ही निकलता है मुंह से, एकदम चुम्मेश्वरी शॉट।